हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुभाष सरोवर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि क्या डीपी गायब करने से, ठीक है, मतलब आपके डीपी गायब करने से, मतलब व्हाट्सएप पे डीपी गायब कर देते हैं कुछ लोग, इंस्टाग्राम पे डीपी गायब कर देते हैं प्रोफाइल फ़ोटो, जो फेसबुक पे प्रोफाइल फ़ोटो अपना गायब कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा पार्टनर को? घंटा पड़ेगा, आप समझ रहे हो। मतलब ये जो भाई बकचोदी लोग करते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी झंड है, ये पार्टनर को लगे तो चलो मैं डीपी गायब कर देती हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे पार्टनर को मेरे पे दया आ जाए, मैं डीपी गायब कर देती हूँ। अरे यार, ये बकचोदी बंद करना बंद करो, ठीक है। ये पहले करते थे लोग, ठीक है, अब सबको पता हो गया कि डीपी गायब कर दिया तो मेरे बारे में सोच रहा है। अब अलग बात है, नेचुरली आपका मन ही करेगा कि हाँ डीपी गायब कर दो, ठीक है, या कोई फ़ोटो, न्यू फ़ोन लिए हो, ठीक है, अब गैलरी में कोई फ़ोटो ही नहीं है, तो अब व्हाट्सअप अपडेट मांग रहा है तो भाई फ़ोटो कौन सा डालोगे, तो इसलिए डीपी गायब है। अब वो कंडीशन अलग है, लेकिन जानबूझ के अगर सोच रहे हो कि मैं डीपी गायब कर देती हूँ या कर देता हूँ, खासकर लड़कियाँ ज़्यादा वो दुखी आत्मा खुद को दिखाने के लिए डीपी गायब कर देती है, भाई ये बकचोदी है। आपको तो और खुश दिखना है, तभी पार्टनर आएगा। देखो, दुखी आत्मा से कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। बस एक कंडीशन है कब डीपी गायब करना चाहिए, वो लास्ट में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, सुनो। बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं, तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के दौरान कुछ लोग सोचते हैं मैं पूरा एकदम इंस्टाग्राम ये प्राइवेट कर देता हूँ, फेसबुक ही प्राइवेट कर देता हूँ, और ऊपर से डीपी गायब कर देता हूँ, मेरा पार्टनर मेरा फोटो वोटो नहीं देखेगा, उसकी फट जाएगी तो मुझे भाव देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नो कॉन्टैक्ट रूल को तो और डैमेज कर रहे हो, आप भाई खुद ही का डीपी गायब कर दोगे तो पार्टनर को तो यही लगेगा ना कि अरे डीपी गायब कर दिया, ऐसे तो लगाता था, ठीक है, ये मेरे बारे में लगता है सोच रहा है, तो क्या कहेगा नो कॉन्टैक्ट रूल यार, हैं? वो तो उसको तो आप और मजे दे दिए कि यार मेरे बारे में सोच रही है, डीपी गायब कर दी आपको, तो आप तो उसको और मतलब और मोटिवेट कर दी कि अकड़ दिखाओ, ठीक है, आपको और खुश रहना है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टेटस लगाया करो, घूमो फिरो, या अगर पढ़ाकू टाइप के भी हो फिर भी लैपटॉप के साथ थोड़ा फोटो डालो, दिखाओ कि घर में भी, या कुछ मोटिवेशनल कोट्स डाला करो स्टेटस में, डीपी में, ठीक है। और बहुत लोग ये भी गड़बड़ करते हैं कि डीपी मान लो चेंज नहीं करते तो डीपी में सैड स्टेटस सैड फोटो डाल देते हैं कि मुझे तेरी याद आ रही है, तेरी गमों के मतलब तेरी गमों में डूबी, ठीक है, तन्हाई, इस टाइप के जो ठीक है अल्फाज, इस टाइप का जो मतलब डालते हो फोटो, भाई बकचोदी करते हो। कुछ लोग कलाई काटने वाला फोटो डाल देते, अरे घंटा फर्क पड़ेगा आपके पार्टनर को, उसको आप और मोटिवेट कर रहे हो कि अकड़ दिखाओ, समझ रहे हो। आपका पार्टनर आपसे तभी अट्रैक्ट होगा तब जब अगर उसको इनसिक्योर करोगी, तभी अट्रैक्ट होगा, तभी आपके पीछे वो आएगा, आप समझ रहे हो। इवन लड़कियां तो चलो ठीक है, लेकिन लड़के भी कलाई काटने वाला फोटो डाल रहे हैं, ठीक है, एकदम दिखा रहे हैं कि ये सिंगल हैप्पी, मतलब नहीं सिंगल बट हैप्पी होता नहीं है क्या, तो मतलब मैं तन्हा हूँ लाइफ में। अरे भाई यार, मजा आता है क्या ये सब छपरी वाला काम करने में, आप समझ रहे हो भाई। ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दिखाना है कि मैं खुश हूँ, ठीक है, उसको पहली बनाओ खुद को, ठीक है। उसको आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो भी मेरे से बात नहीं करे, तो भाई मेरी तो इसको याद आती होगी, ठीक है, तो इसलिए ये डीपी गायब किया है। आपने उसको एक सोच दे दिया, एक सही डायरेक्शन दे दिया कि हाँ, तो पहली कहाँ बन पाए आप। लेकिन वही मान लो कि वो सोचे कि मेरे से बात नहीं करा फिर भी ये घूम क्यों रहा है, किसी लड़की के साथ सेल्फी डाल दिया, किसी लड़के के साथ सेल्फी डाल दिया, ठीक है, नया शर्ट पहना है, ठीक है, न्यू ड्रेस में फोटो डाला है, घूम रहा है, बर्गर खा रहा है, भाई तब फटेगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर दो तीन दिन पर डीपी चेंज करते रहो अगर नो कॉन्टैक्ट टूल पे हो तो, समझ रहे हो। पर्सनली जो जो मेरे से बात करते हैं कॉल पे, यही सारा तो टिप्स देता हूँ, वीडियो में नहीं हो पाता ना यार, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, समझ रहे हो। तो भाई ये सब बकचोदी मत करो, डीपी गायब कर दिए, दिखा रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे ही गायब कर देते हैं, ठीक है, मतलब होता नहीं है क्या ही फोटो डालें, वो कंडीशन अलग है। लेकिन जान बुझ के सोच रहे हो, पार्टनर को पॉइंट ऑफ व्यू रख कर सोच रहे हो तो चलो डीपी गायब करता हूँ, फिर बकचोदी है, इंस्टाग्राम प्राइवेट कर देता हूँ तो देखेगा ही नहीं, आप समझ रहे हो। अब मैं बताता हूँ कि वो एक कंडीशन क्या है जहाँ डीपी गायब करने से सही होता है। वो भाई कंडीशन ये है कि अगर आप कहीं चक्कर चला रहे थे, ठीक है, और आपका पार्टनर आपको पकड़ लिया, ठीक है, अब उसको आप पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, या
आपका पार्टनर को आप पे भरोसा नहीं है, आप चक्कर करने चला रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं किसी से इन्वॉल्व हो, ठीक है, या कुछ भी करके आपके पार्टनर को आप पे एकदम ट्रस्ट ही नहीं है, उसको लगता है कि आप एकदम छोड़ के चले ही जाओगे उसको, उस समय भाई आपको डीपी गायब कर देना चाहिए। चाहिए नहीं, मतलब कर देते रहो ठीक है, उस समय दुखी आत्मा दिखोगे तब हो सकता है पार्टनर का ट्रस्ट जीत पाओ। तो यही एक कंडीशन है, ठीक है। अब एकदम आपका पार्टनर बेमतलब का शक कर रहा है तब फिर उसके लिए थोड़ा डीपी गायब कर देंगे यार, ठीक है, मैंने कुछ किया ही नहीं, ऊपर से बेमतलब का शक कर रहे हो, मेरे को ब्लेम दे रहे हो कि मेरा चल रहा है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, तो उसमें थोड़े मैं डीपी चेंज गायब कर दूंगा यार, ठीक है। वो जहाँ लेकिन जेन्यूनली अगर आपका पार्टनर को आप पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है कि किसी लड़की से बात कर ली है, किसी लड़के से बात कर ली है जो उसको अच्छा नहीं लगा, उस समय थोड़ा खुद को दुखी आत्मा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, उसका भी कंडीशन है, दुखी आत्मा बनना जरूरी हो जाता है, इसलिए डीपी गायब या प्राइवेट इंस्टा पे प्राइवेट करके दिखाना कि यार मैं किसी से बात नहीं करती, नहीं तो मैं पब्लिक अकाउंट रखती या रखता, ठीक है। तो यही एक कंडीशन है, इसके अलावा सब बकचोदी है, ठीक है, कि डीपी गायब कर देता हूँ ये हो जाता है, कुछ नहीं होता है, ये होता है, समझ रहे हो। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है, नहीं भी आए फिर भी लाइक कर देना भाई, ठीक है, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखते हो सिर्फ आप लोग चले जाते हो, ठीक है, वीडियो लाइक हो जाना चाहिए भाई और सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरे से अगर इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हो फ्री टिप्स के लिए तो फॉलो करो, मैसेज करो, ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और नहीं तो अगर मेरे से एकदम पेड कॉल पे बात करना चाहते हो, एक घंटा मैं एक घंटा बात करता हूँ, ठीक है, मतलब एकदम सच में डिस्टर्ब चल रहा हो प्यार मोहब्बत में, ठीक है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, एक घंटा में बात करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।